नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम कुछ नया बनाना सीखते हैं समर के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। आज हम बनाएंगे रागी सूप। हम एक बर्तन में 1 लीटर पानी ले लेंगे, उसे गैस ऑन करके प्लेट ढक देंगे, और ये है 150 ग्राम का ग्लास है। उसमें आधा हम जैसे रवा सूजी होता है वैसे ही राइस का सूजी है, ऐसे ब्रांड के पैकेट में मिलता है, और वो है रागी पाउडर। मतलब वो 250 ग्राम के ग्लास में अगर 250 ग्राम हमने रागी लिया तो आधा सूजी लेंगे। पानी बॉईल होने लगा है, अब हम उसमें सूजी डाल देंगे। सूजी थोड़ी देर बॉईल होगा तब उसमें हम डालेंगे नमक डालेंगे और उसे थोड़ा मिक्स करके देखेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखिए नमक डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार डलेगा। अभी जब वो बॉईल हो जाएगा तो उसे थोड़ी देर मतलब धीमी आंच में पकाएंगे, 2 मिनट। आप लोगों के मन में तो आया ही होगा आज क्यों इतना मतलब रागी सूप बनाना क्यों ये सिखा रही है, रागी सूप क्यों बना रही है। क्योंकि रागी सूप सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब ये समर के डेज में बहुत 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 ही अच्छा होता है। मतलब हमारे बॉडी को ठंडा रखता है, पेट की परेशानियाँ दूर होती हैं। ऐसे देखिए सूजी बॉयल होके फूल गया है, अब इसमें हम रागी में पानी मिक्स करके रखेंगे, उसे फेंट देंगे हम, अंडे जो फेंटते हैं उसमें फेंट देंगे। उसे क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा, विस्कर शायद, हाँ उससे फेंट देंगे। फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे, बस देखिए कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए उसमें, जोर जोर से फेंटेंगे, वो साइड वगैरह सब गांठ रह जाएगा। तो जब हम उसे वो पानी में डाल के मिलाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। अभी देखिए आंच हाई कर लेंगे, अब इसे हम देखिए बॉयल होता हुआ बॉयल हो रहा है, वो रागी का जूस भी डल रहा है और मिक्स भी हो रहा है। देखिए कितना थिक हो गया अभी ये। जब हम रागी का बैटर डालेंगे तो अच्छे से मिक्स करना होगा, वरना वो गांठे पड़ जाएंगे। अभी बस हमें गैस ऑफ कर देना है, थोड़ा सा बॉयल होने के बाद बस हमें गैस ऑफ कर देना है। हो गया हमारा रागी सूप। अभी गरम गरम मत परोसिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसे रहने देंगे, ठंडा हो गया तो सुबह खाएंगे। कैसे खाते हैं सुबह बताऊंगी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए कितना ये यमी यमी दिख रहा है, अच्छा तो दिख रहा है ना, कैसा आइसक्रीम की तरह है। इसे सुबह खाली पेट खाने से बहुत अच्छा होता है। इसे मैं खाऊंगी कर्ड डालकर, दही डालकर खाऊंगी। दही डाल के बस मिक्स करके खा लेना है। इसमें कोई मतलब दूध डाल के खाते हैं, नींबू डाल के खाते हैं, और अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा ही पसंद है। आप लोगों को कैसा पसंद है खा के चखे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, बच्चे बूढ़े मतलब सबके लिए ये अच्छा है। तो इसे देखकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।